Assalamualaikum everyone, this is clinical dietitian and nutritionist Sabrina Sir. Hope you all are doing great. तो आज मैं लिख रही हूँ आप सब के लिए वो वीडियो जिसका मैंने लास्ट अपनी YouTube वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए इफेक्टिव वीडियो लेकर आऊंगी. तो आप सबकी बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर मोस्ट आस्क क्वेश्चन आफ्टर बेली फैट. ठीक है, बेली फैट के बाद जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दैट इज थाई फैट. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 बेस्ट थाई फैट बर्निंग वर्कआउट्स एट होम विदाउट एनी इक्विपमेंट. ठीक है, अगर आप पर्सन है जो कि जिम नहीं जा सकते, डिफरेंट इक्विपमेंट्स नहीं यूज कर सकते, इतना स्टेमिना नहीं है कि आप इक्विपमेंट्स के साथ कर सके, एंड ऑल दैट, बाहर जा नहीं सकते, आप जिम नहीं कर सकते और टाइम नहीं है आपके पास एंड ऑल दैट, बट आपका वेट लूज करना है, थाई फैट आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. बिकॉज मैं आपको बताऊंगी बेस्ट थाई फैट बर्निंग वर्कआउट्स एट होम विदाउट एन इक्विपमेंट. ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे चैनल पर न्यू है, मुझे पहली दफा देख रहे हैं, तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए. ठीक है, तो जल्दी से जाकर करते हैं, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कआउट्स बताने से पहले मैं आपको डाइट भी बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ वर्कआउट से आपका थाई फैट, आपका बेली फैट लूज नहीं होता. आपको वर्कआउट के साथ प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है, कैलोरिक डेफिसिट डाइट लेनी पड़ती है, पोषण कंट्रोल डाइट लेनी पड़ती है, ताकि आपकी वेट लॉस हो. बिकॉज प्रॉपर एक जो जर्नी होती है वेट लॉस की, वो टू पार्ट्स पे डिवाइड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज डाइट एंड सेकेंड वन इज वर्कआउट. एंड जो डाइट की परसेंटेज है वो 70% है, एज आई ऑलवेज से टू रिमाइंड यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट. बार बार याद दिलाती हूँ कि भाई डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, इट इज सुपीरियर फॉर वेट लॉस, फॉर मेंटेनेंस एंड ऑल दैट. ठीक है, तो डाइट जब आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो 70% आपकी डाइट है. ठीक है, तो पहले मैं आपको डाइट बताऊंगी, कौन से पॉइंट्स को आपने ख्याल रखना है, कौन सी टिप्स का ख्याल रखना है, ताकि जब आप वर्कआउट करें तो आपको रिजल्ट्स भी मिले उसके. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 70% डाइट है, तो अब डाइट की मैं टिप्स बताऊंगी अच्छे से आपको, 5 मैं टिप्स बताऊंगी. ठीक है, जो आपने फॉलो करनी है. ठीक है, और फिर उसके बाद हम सेकेंडली प्रॉपर बताऊंगी किस टाइम करना है. ठीक है, कितनी बार करना है, क्या खाना है पहले, बाद में क्या लेना है, ऑल दैट, ताकि आपको समझ आए, आपको रिजल्ट्स मिले और आपको फायदा भी हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 टिप्स फॉर थाई फैट लॉस. सो द नंबर फर्स्ट वेट लॉस टिप इज यूज स्मॉलर प्लेट्स. इसका क्या मतलब है कि आपने जब भी मील लेना है, आपने अपनी जो प्लेट साइज है वो छोटी प्लेट यूज करनी है. ठीक है, उससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी पोर्शन भी कम होता रहेगा. ठीक है, जब आप एक प्लेट को आप जितने ही आप बड़ी प्लेट, हमारा ये कंसीडर होता है कि हमें राइस लेना है, हमने सबसे बड़े साइज वाली प्लेट यूज करनी है. ठीक है, बड़े साइज की प्लेट है उसमें चीज ज्यादा डलेगी, ज्यादा आप लेंगे वही, एज कम्पेयर टू जब आप छोटी साइज की प्लेट्स यूज करेंगे तो आपका पोर्शन भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा और आप यूज टू हो जाएंगे कम पोर्शन लेने के लिए. ये एक रेमेडी है. ठीक है, क्विक सी रेमेडी है कि जिसका आप ख्याल रखेंगे तो आपका आहिस्ता आहिस्ता आपकी कैलोरिक इनटेक कम होगा, कैलोरिक इनटेक कम होगा तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन भी नहीं होगा, वेट लूज होगा. पोर्शन कंट्रोल खाएंगे, कैलोरिक डेफिसिट में खाएंगे और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे. सो जब भी आपने खाना खाना है, यूज स्मॉलर प्लेट्स, बाउल भी यूज करना है, स्मॉलर यूज करें, उसमें ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपका पोर्शन कम होता जाएगा, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे. सो दिस वन इज द फर्स्ट वन टू फॉलो. ठीक है, तो अब बात करते हैं द टिप नंबर 2 इज ईट स्लोली. अब इसका क्या मकसद है, खाना आहिस्ता आहिस्ता क्यों खाना है? आहिस्ता आहिस्ता खाने के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे स्टमक को हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने में 20 मिनट्स लगते हैं. कौन सा सिग्नल? अबाउट फुलनेस. ब्रेन को सेंस करने में 20 मिनट लगते हैं, इट मीन्स, और हम जितनी क्विक खाते हैं तो हमें नहीं अंदाजा होता कि हमारा स्टमक फिल हो गया, इट टेक्स 20 मिनट्स. इसलिए स्लोली स्लोली खाएं ताकि आपको टाइमली आपके स्टमक सेंस कर सके कि यू आर फुल, यू डोंट नीड फर्दर फूड, और आप कम खाएं और आपको वेट गेन ना हो. ठीक है, तो जब भी खाना है स्लोली स्लोली खाना है, तो फर्स्ट रीजन ये है. एंड सेकंड रीजन ये होता है कि आप अच्छे से चबा के खाएंगे, ओब्वियसली स्लो खाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चबा के खाएंगे, अच्छे से आप न्यूट्रिएंट्स यूज कर सकेंगे, आप स्लोली स्लोली खाएंगे, आपको मजा भी आएगा, आपको टाइम भी लगेगा, आप जल्दी थक भी जाएंगे खाना खाते और आप कम कैलोरीज लेंगे. ठीक है, सो दिस वन इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कि आपने जब भी खाना है स्लोली स्लोली खाना है. नाउ द टिप नंबर 3 इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. बहुत ज्यादा पानी पिएं, गर्मियां भी हैं, हाइड्रेशन का भी ख्याल हो जाएगा, स्किन भी अच्छी हो जाएगी, वेट लूज भी हो जाएगा, बहुत सारे फायदे होंगे. वाटर इनटेक हमेशा मैं जरूर बताती हूँ अबाउट, जब भी मैं वेट लॉस टिप्स बताती हूँ तो वाटर इनटेक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है, इससे क्या होता है आपकी स्किन रिफ्रेश हो जाती है, आपका स्टमक, जब आप पहले ही पानी पी लेते हैं उससे क्या होता है कि आपके स्टमक फिल हो जाता है ऑलरेडी. ठीक है,
फिर आप नेक्स्ट कैलोरी इंटेक कम करते हैं, आपको जल्दी स्टमक फील हो जाएगा, आप ओवरडोज नहीं हो जाएंगे अबाउट डाइट, ठीक है। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है क्यों हम ज्यादा खाते हैं, हम क्या समझते हैं कि हम हमें प्यास भी लग रही होती है ना, तो हम समझते हैं लाइक हमें भूख लग रही है, ठीक है, लाइक हम कंफ्यूज कर लेते हैं अबाउट थर्स्ट एंड हंगर। हाँ, हमें प्यास भी लग रही है, हमने साथ कुछ खाना भी खा लेना है कि भाई मुझे भूख लगी, नो, हम कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है, डिटरमिन आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को यूज टू करें, आपको समझ आए कि इस टाइम मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी की जरूरत है, ठीक है, या आपको फ्रूट्स वाटर की जरूरत है, ठीक है, ना कि आपको सॉलिड कैलोरीज की जरूरत है। तो आपने ये खुद डिटरमिन करना है कि भाई अब मुझे प्यास लग रही है या मुझे खाना खाना है, तो डोंट कंफ्यूज, इससे भी आपको बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जब आप इस पॉइंट का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब बात करते हैं द टिप नंबर 4 फॉर थाई फैट लॉस एंड ओवरऑल बेली फैट लॉस एंड ओवरऑल वेट लॉस इज ईट हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड्स लेने के अगेन फायदे हैं बेशुमार। हाई फाइबर में हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स यूज करें इन द फॉर्म ऑफ द सैलड, जो भी आपको पसंद है। इस कंपल्सरी नहीं है कि आपने यही वाला स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट लेना है या जो वेट लॉस के लिए बताते हैं डिफरेंट वीडियो में वो ही लेना है, आपको जो पसंद है, बस फाइबर होना चाहिए। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आपने उसको रॉ फॉर्म में ले लेना है, ठीक है, रॉ इज बेटर देन कुक्ड, या उसको अगर हम वेजिटेबल्स कुक करेंगे बेटर ये होगा रॉ लेंगे, बिकॉज इट इज द होल फूड। होल फूड जो कि अनप्रोसेस्ड होगा उसके ज्यादा फायदे होते हैं फॉर वेट लॉस एंड ओवरऑल फायदे आपको ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपने जब भी लेना है मील कोई भी लेना है तो आप फाइबर का साथ अच्छा पोर्शन रखें, ठीक है, जिसमें वेजिटेबल्स हो जाएंगे, स्नैक्स में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा आप काब ले सकते हैं, उसमें फाइबर है। तो इस तरीके से आपने अपनी डाइट को प्लान करना है कि आपकी डाइट में एक अच्छी मिकदार में फाइबर्स हों, आपके स्टमक में जाकर फाइबर जेल बनाते हैं, स्टमक में रोटेट करते हैं तो आपको स्टमक हैवी फील होता है, आपको भूख कम लगेगी, जल्दी आपका स्टमक फील हो जाएगा, आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। सो ऑलवेज इंक्लूड हाई फाइबर फूड इन योर डेली डाइट। अब बात करते हैं टिप नंबर 5 विच इज डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। अगेन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली वीडियोज में आता है, ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना आपने। ब्रेकफास्ट स्किप करने के अगेन जैसे मैं बार बार बताती हूँ बहुत ज्यादा नुकसान है और उसको करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगेन मुझे आज भी मेरे क्लाइंट का एक मैसेज आया कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं खा रहा, मैं उसको ना कैलोरीज बचा रहा हूँ। हालांकि ये आप गलत काम करें, जब आप ब्रेकफास्ट में नहीं खाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं लेते हैं, जस्ट मिल्क का एक ग्लास ले लिया, एक फ्रूट ले लेते हैं, तो आप पूरा दिन भूखे ही रहते हैं। लाइक आप डिफरेंट स्नैक्स भी ले लेंगे ना, आपकी वो जो हंगर है वो फुलफिल नहीं होगी, बिकॉज आपको आप सारी रात भूखे रहे थे। आपको प्रॉपर आपकी बॉडी को नीड है सारे फूड ग्रुप्स की, जिसमें आ जाते हैं कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं, फैट भी हैं, ठीक है, सबकी इनको जरूरत है। और आप नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो पूरा दिन अगेन उसमें एडिशन होती रहेगी, बॉडी की नीड ऑफ फूड बढ़ती जाएगी और आप जितना लेते जाएंगे वो कम ही रहेगा, ठीक है। तो आपने ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, प्रॉपर लेना है, ठीक है, बेशक थोड़ा थोड़ा लें, लेकिन आपका हर फूड ग्रुप्स इंक्लूड होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ द कार्ब, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, फैट भी उसमें होना चाहिए। फैट भी अब वो आपने डिटरमिन करना है कि ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, हमेशा आपने अनसैचुरेटेड फैट यूज करना है, ठीक है। ट्रांस फैट तो बिल्कुल आपने एक्सक्लूड कर देना है, नॉट ओनली फॉर वेट लॉस, वेट गेन, हेल्दी डाइट, हर लिहाज से आपने ट्रांस फैट को नहीं लिया करना है, ठीक है। हेल्दी फैट लें, हेल्दी फैट इन फॉर्म ऑफ द ड्राई फ्रूट्स होता है, तो आपने हमेशा आपने खुद डिटरमिन करना है कि भाई ये मेरे लिए बेटर है और मैंने यही लेना है, ठीक है। और हमें डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर मैं बताती भी हूँ, मैंने स्नैक आइडियाज पे प्रॉपर एक यूट्यूब वीडियो भी बनाई है, वो जाकर देख सकते हैं, मैं इधर मेंशन कर देती हूँ, उसमें बेहतरीन स्नैक्स हैं जो मजे के भी हैं, आप यूज करेंगे आपको मजा भी आएगा, आपकी भूख भी फुलफिल हो जाएगी और आप ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगे और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है, वेट लॉस होगा, ठीक है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो हमेशा आपने खुद अच्छे से प्लानिंग करनी है अपनी डाइट की, अगर अनप्लान्ड आप जो भी करेंगे ना वो आपको नुकसान ही देगी, ठीक है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, वाटर इंटेक अच्छा रखना है, हाई फाइबर फूड लेने हैं, ठीक है, उसके अलावा आपने पोर्शन का ख्याल रखना है और स्मॉलर प्लेट यूज करनी है, ठीक है। तो मोस्टली मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर हो जाएं, ठीक है। मजीद वेट लॉस टिप के लिए आप मेरी डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, मैं लाती रहती हूँ न्यू टिप्स ताकि आपको फायदा मिले, ठीक है, और आप विदाउट एनी एफर्ट आपको रिजल्ट मिले, ठीक है। टिप्स का ये फायदा होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक एफर्ट नहीं उसके लिए करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो आपको मेंटेनेंस की तरफ लेके जाती है। और अगर ऑब्वियस रिजल्ट आपको चाहिए होता है कि जरा हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए विद इन मंथ एंड टू मंथ, दैट इसका मतलब ये कि आपको कस्टमाइज डाइट की जरूरत है, आप कस्टमाइज भी ले सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं, आपको कस्टमाइज डाइट प्रोवाइड कर दी जाएगी जिससे आप अच्छे रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक है। वो भी गारंटी नहीं होता, कभी भी आपको कोई गारंटी नहीं ले सकता, बिकॉज इट्स ए नेचुरल प्रोसेस एंड यू आर लूजिंग एंड यू आर डूइंग नेचुरल डाइट, कोई भी मेडिकेशन नहीं है, कोई भी सर्जरी नहीं है, तो कभी भी
इस तरह की आपने अनरियलिस्टिक आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, वो आपको नुकसान देगा। ठीक है, अच्छी डाइट करनी है आपकी, बॉडी ने खुद अच्छे से रिजल्ट खुद ही जो आपके लिए बेस्ट होंगे वो दे देने हैं। ठीक है, सो हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है ताकि आपको रिजल्ट्स में मिले। ठीक है, तो आपने सब डाइटरी टिप्स का ख्याल रखना है। ठीक है, अब विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं अपनी वीडियो के मेन पार्ट की तरफ। ठीक है, विच इज बेस्ट 5 थाई फैट लॉस वर्कआउट्स। ठीक है, सो द वर्कआउट नंबर 1 इज नी हग्स। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको साथ साथ विजुअल भी दूंगी और बताती भी जाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे करनी है। ठीक है, सो वीडियो में भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर उसको एक बार देख लें। आपने क्या करना है कि एक मैट पर बैठ जाना है। ठीक है, कैसे अपने नीज को बेंड करना है वीडियो में नजर आ रहा है। ठीक है, अपने हैंड्स को इस तरीके से आपने मूव करना है कि वो आपकी जो आप नीज है उसको हग करें। ठीक है, लाइक इन द वीडियो। सेकेंडली आपने अपने देन अपने फीट को फ्लोर पर एक्सटेंड करना है। फिर उसके बाद अपने अपने लेग्स को 45 डिग्री पर फ्लोर पर एक्सटेंड करना है, अपने आर्म्स को ओपन कर लेना है। ठीक है, देन अगेन उसके बाद आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है, अगेन आपने अपने लेग्स को हग करना है, देन इसको छोड़ देना है, अपने लेग्स को एक्सटेंड करना है 45 डिग्री। ठीक है, वीडियो में नजर भी आ रहा है, इस तरीके से आपने रिपीट एंड रिपीट करते रहना है। ठीक है, इसका क्या फायदा है, बेसिकली क्यों मैं इसको स्पेशल आपको थाई फैट लॉस में ये वर्कआउट को बता रही हूँ। नी हग्स जो होते हैं ये स्पेसिफिकली आपके एब्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली इसका पर्पस होता है कि आपकी लेग्स एंड ग्लूट्स मसल्स को एक्सटेंड करें। इट आल्सो स्ट्रेच योर हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स मसल्स। थाई फैट लॉस के साथ साथ ये आपकी पोस्चर को इम्प्रूव करते हैं, उसके अलावा प्रिवेंट करते हैं डिफरेंट जो बैक पेन्स वगैरह को भी ठीक करता है। तो ना सिर्फ आप थाई फैट लॉस के लिए आप डिफरेंट आपके बेनिफिट्स इसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाई इसको करना कितनी बार है। आपने इस एक्सरसाइज के 12 रेप्स एंड 3 सेट्स करने हैं पर वर्कआउट सेशन। ठीक है, 12 रेप्स एंड 3 सेट्स। आपको आइडिया होगा रेप्स एंड सेट्स का, आप देख भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसको प्रॉपर में बताओ तो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने इसकी 12 रेप्स एंड 3 सेट्स करने हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक्सरसाइज करने से पहले आपने 15 मिनट के वार्म अप सेशन करना होता है। फौरन ही आपने लाइक जब एक्सरसाइज करना है फौरन ही मेन आपने स्टार्ट नहीं कर देना होता फर्स्ट वर्कआउट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वार्म अप करना होता है। आपकी बॉडी वार्म अप होगी उसके बाद जब आप वर्कआउट्स करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपने जब भी वर्कआउट करने से पहले 15 मिनट का वार्म अप करना है। वार्म अप आप बेशक वॉक करके करें, बेशक रन करके करें, बेशक आपने ट्रेडमिल पर करना है, लेकिन वार्म अप आपकी बॉडी हो जाना चाहिए ताकि अच्छे से मसल आपके एक्टिव हो जाएं और आप जो भी वर्कआउट करें वो टारगेटेड हो और आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। ठीक है, नाउ ऑन टू द वर्कआउट नंबर 2 विच इज हिप ब्रिज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीडियो में देख भी सकते हैं अपनी हील्स को फ्लोर के ऊपर आपने पुश करना है, अपने ग्लूट्स एंड एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी हिप को फ्लोर से ऊपर लेके जाएंगे वैसे वैसे अपने अपने मसल्स को टाइटन करना है ग्लूट्स एंड एब्डोमिनल को। ठीक है, वीडियो में देख भी सकते हैं ये प्रोसेस आपने बार बार रिपीट करना है, अगेन उस अपनी स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाना है, साथ साथ अपने जो अपने आर्म्स को देख सकते हैं फ्लोर पर सीधे रखना है। ठीक है, उसका कोई बस आपने उसको सीधे रखना है, उसके साथ साथ अपने हील्स को अपने फ्लोर पर पुश करना है एंड अपनी हिप को ऊपर की तरफ को पुश करना है और रिपीट प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का क्या फायदा है, क्यों मैं आपको थाई फैट लॉस में इसको कह रही हूँ कि आपने करना है, इट टारगेट योर कोर मसल्स। ठीक है, जो कि ओवरऑल अगर आपकी परफॉर्मेंस डे में आपका पोस्चर अच्छा रहता है, आपको बैक पेन नहीं आती इजिली, आप अपने दिन की विदाउट एनी फटीग आप अपने वर्क काम कर सकते हैं, सीधा बैठ सकते हैं, सीधे से चल सकते हैं, जितना मर्जी सीढ़ियां चढ़ें उतने आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, आप इंटरनली आपके मसल्स एंड आप एक्टिव रहेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज ना सिर्फ आपके थाई फैट बल्कि आपके हिप फैट को भी और आपके प्रॉपर पोस्चर को भी अच्छा कर देगा, टोनिंग करेगा। ठीक है, कभी भी वर्कआउट आपका फैट लॉस स्पेसिफिक फैट लॉस नहीं कर रहे होते, वो आपकी बॉडी की टोनिंग कर रहे होते हैं ताकि आपकी बॉडी की शेप अच्छी आ जाए। ठीक है, और आप हेल्दी रहें, आपके मसल एक्टिव हो। ठीक है, आपने कभी भी ये टारगेट नहीं रखना कि आप वर्कआउट करें तो आपका वेट लॉस होगा, वर्कआउट से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा होता, आपका स्पेसिफिक वहां से बॉडी की टोनिंग हो रही होती है, टोनिंग से अच्छी शेप आती है, शेप आने से ऑब्वियसली आप हेल्दी लगते हैं, आप अट्रैक्टिव लगते हैं, आपकी बॉडी शेप में आती है और आप वेट लॉस लग रहा होता है। ठीक है, बट एक्चुअली इट इज टोनिंग योर बॉडी इन परफेक्ट शेप। व्हाई वी आर यूजिंग फॉर थाई फैट लॉस, क्योंकि ये भी टारगेट करते हैं ग्लूट्स को, उसके साथ हैमस्ट्रिंग को, जिससे आपकी बॉडी शेप में आती है, स्ट्रेच होते हैं मसल्स आपके यहाँ से, सो इट टारगेट्स योर इनर थाइज एज वेल। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज को कितनी बार करना है, इस एक्सरसाइज के आपने 10 रेप्स एंड 3 सेट्स करने हैं एवरी सेशन ऑफ द वर्कआउट। ठीक है, दिन में एक बार ही करना चाहिए, बार बार वर्कआउट नहीं करना चाहिए, और जब भी आपने करना है इसके 10 रेप्स एंड 3 सेट्स करने हैं। ठीक है, नाउ ऑन टू द वर्कआउट नंबर 3 विच इज स्क्वाट्स। वीडियो में भी आप देख सकते हैं बहुत इजी है, मोस्टली हम करते भी हैं इसको। फेस को आपने स्ट्रेट रखना है। ठीक है, और जब आपने बेंड करना है तो प्रॉपर आपकी बॉडी इस तरीके से अपनी अपनी एक्सरसाइज को करना है कि आपकी जो मूवमेंट हो इस तरीके से आए, आपकी बिल्कुल अलाइन पोजीशन में आए, आपकी नी आपके थाइज एंड आपकी हिप एक प्रॉपर पर लाइन में आए। ठीक है, जैसे आप किसी चेयर पर बैठे हुए हैं। ठीक है,
देन अगेन फिर आपने अपनी अगेन स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाता है। इस प्रोसेस को आपने रिपीट करते रहना। आहिस्ते आहिस्ते आप यूज टू होंगे, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है स्क्वेट्स आपके लिए। स्क्वेट्स जो है ना, ये आपकी कैलोरीज भी समहाउ बर्न करता है, बिकॉज इसमें ज्यादा एफर्ट लगते हैं, इसलिए इसको टाइम लगता है आपको सीखने में, बिकॉज दे आर इफेक्टिव और इसमें आपकी बॉडी की कैलोरीज यूज हो रही है। इससे आपकी इंजरीज और एंकल्स का भी जो इश्यूज अगर आते हैं तो उसके भी चांसेस को लो करता है, कम करता है। आपकी नीज भी हेल्दी होती है, उसके जरा पोस्चर इश्यूज नहीं आते। क्यों हम इसको थाई फैट लॉस के लिए यूज करें, बिकॉज इस एक्सरसाइज को करने से मूवमेंट ऑफ द टेंडन्स, बोन्स, लिगामेंट अराउंड द लेग इम्प्रूव होती है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका मसल भी स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेच होते हैं और आपका थाई फैट टोन होता है। उसके साथ साथ हिप मसल को इम्प्रूव करता है, कॉल्स को, हैमस्ट्रिंग्स को एंड ओब्लिक्स को। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। अभी बात आती है कि इसको कितनी बार करना है। इस एक्सरसाइज के आपने 10 रेप्स एंड 3 सेट्स करने हैं पर वर्कआउट सेशन, ठीक है। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थाई फैट लॉस वर्कआउट, विच इज लंजेस। सो लंजेस करने का तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फ्लोर के ऊपर स्ट्रेट आपने खड़े होना है, ठीक है। उसके बाद अपने फेस को स्ट्रेट रखना है, देन अपने कोर को इंगेज करते हुए अपनी नीज को बेंड करना है, ठीक है। नीज को बेंड करना है और अपनी बॉडी को लोड करना है फ्लोर के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से अपनी नीज को बेंड करना है, देन अगेन स्ट्रेट एंड बेंड एंड अगेन स्ट्रेट, ठीक है। तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। लंजेस जो होते हैं हमारे मसल मास को बिल्डअप करते हैं और स्ट्रेंथ एंड टोन प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, स्पेशली लेग्स को, कोर को। इसलिए लेग्स को करते हैं, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फॉर थाई फैट लॉस। इसमें जो मेन मसल्स आपके वर्क करते हैं, जिसमें आ जाता है बैक मसल्स, ग्लूटियल मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड कॉल्स। मसल बताने का ये मकसद होता है कि ना सिर्फ स्पेसिफिक आपकी जो मैं आपकी स्पेसिफिक वीडियो बना रही थी, ना सिर्फ उस फैट लॉस के लिए, स्पेसिफिक पार्ट के फैट लॉस के लिए, डिफरेंट बॉडी के और भी जो जो मसल्स इंगेज हो रहे हैं वहां वहां पर आपकी बॉडी टोन होगी, वहां वहां आपको ये वर्कआउट फायदा देगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये मसल्स किस बॉडी पार्ट में है, तो आप स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के लिए भी ये वाली एक्सरसाइज को यूज कर सकते हैं। इसके बेशुमार फायदे हैं, आपकी कोर को स्टेबिलिटी मिलती है, आपकी बॉडी को अच्छा बैलेंस मिलता है, हिप फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और आपका स्पाइनल हेल्थ भी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो इसको कितनी बार करना है, इस एक्सरसाइज को भी आपने 10 रेप्स एंड 3 सेट्स करने हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप यूज टू हो जाएंगे, आपको अच्छे से आप कर सकेंगे, टाइमली कर सकेंगे, प्रॉपर कर सकेंगे, फिर आप इसकी रेप्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हर एक्सरसाइज को स्टार्टिंग में आप अपने उस लेवल पर रखें जो आप कर सकें, ठीक है, जो आपके लिए थोड़ा टारगेट अचीवेबल हो, देन उसको इंक्रीज करते रहना है टाइम टू टाइम, ठीक है। सो अब बात करते हैं वर्कआउट नंबर 5, विच इज रनिंग इन प्लेस, द मोस्ट इजिएस्ट वर्कआउट फॉर थाई फैट लॉस, ठीक है। जैसे हम सबको पता है कि स्पोर्ट रिडक्शन मिथ है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा थाई फैट लॉस हो तो हमें अपने आप को कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, ओवरऑल हमारा इंटायर बॉडी से फैट लॉस होता है। जब इंटायर बॉडी से फैट लॉस होगा तो ऑब्वियसली आपका थाई फैट भी तो लॉस होगा, ठीक है। सो रनिंग इन प्लेस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्डियो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका थाई फैट अच्छे से लूज होगा, ठीक है। इससे आपको अच्छा वार्म अप भी मिल सकता है, ये एक्सरसाइज को आप एज ए स्टार्टर वार्म अप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रनिंग प्लेस का ये है कि आपने इसका टाइमिंग ऑब्वियसली ज्यादा होगा, आपने इसको एटलीस्ट 5 to 10 minutes आपने एक जगह पर ही रनिंग करनी है, ठीक है। एक ही जगह पर रनिंग करने से ये होता है कि आपका हार्ट रेट इंप्रूव होता है, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होता है और कैलोरीज एंड फैट बर्न होता है। कैलोरीज एंड फैट बर्न होगा तो आपका थाई से भी फैट बर्न होगा, ठीक है। सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, लंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी, बेशुमार फायदे, ठीक है। तो अगर आप इन सब से, आपको कोई ऐसा डिजीज इशू है इन सब में से, तो आपको रनिंग करनी चाहिए, ठीक है। और इन प्लेस का ये फायदा होता है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस वीडियो इज स्पेशल फॉर दोस्त जो जा नहीं सकते जिम पर, ठीक है, टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है उनके लिए। सो उनके लिए बेस्ट टिप है कि आप रनिंग इन प्लेस करें। टाइम डिपेंड करता है, आपने उसको टाइम अपने जितने हिसाब से आपने 15 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, आधा घंटा करना है, घंटा करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। बस एक जगह खड़े होकर आपने रनिंग करनी है, द इजिएस्ट वे ऑफ डूइंग रनिंग। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, आपको इजीली विजुअल दिखाने का मकसद यही है कि आपको समझ आ जाए बात की अच्छे से, ठीक है। आप मेरी बात सुनने साथ आप वीडियो देखें, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो आप वो भी देख सकते हैं, इस तरीके से आपने अपनी रनिंग करनी है, 10 से 15 मिनट तक रनिंग करनी है, आपकी फुल बॉडी इंगेज रहेगी, फुल बॉडी से आपके फैट लॉस होगा और आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थाई फैट लॉस वर्कआउट्स जो आप इजीली अपने घर में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको टाइम चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए एंड यू विल लूज योर थाई फैट अलोंग विद योर बॉडी फैट, ठीक है। इसके अलावा थाई फैट लॉस के साथ साथ बेली फैट भी इशू होता है, ऑब्वियसली जो ओबीस पर्सन है उसके लिए भी एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है, मैं उसको भी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, लिंक आप जाकर जरूर देखें, बिकॉज ऑब्वियसली अकेला थाई फैट नहीं होगा, आपका बेली फैट भी होगा। तो आपने ये सारी एक्सरसाइजेस को मिला के अच्छे से करनी है ताकि आपको रिजल्ट्स मिले, ठीक है। ये जो वर्कआउट्स हैं ये बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, पर्सनली यूज हैं, इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं।
जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है, आपको साथ साथ डाइट करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। वर्कआउट में मेन ये होता है कि आपको स्टार्टिंग में ही कुछ 4-5 दिन इशू आता है बिकॉज ऑफ द फटीग आप, और उसी भी 4-5 डेज में हम क्या करते हैं, हम मोटिवेशन लूज कर लेते हैं कि पता नहीं अब हम नहीं कर सकते, हालांकि वो 4-5 डेज ही क्रूशियल है, उसके बाद आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी। जो एक्सरसाइज आप 4 से 5 मिनट में कर रहे थे वो आप 1 से 2 मिनट तक कर लेंगे और इजिली कर लेंगे, आपको कोई फटीग का भी इशू नहीं आएगा, जस्ट आपको 5 से 6 दिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ जब आपने वर्कआउट्स करना है, अपने साथ आपने वाटर बॉटल रखनी है, ठीक है, वाटर बॉटल रखनी है, डिटॉक्स वाटर भी आप पी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं डिटॉक्स वाटर की रेसिपी दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर आप चाहते हैं देन आई विल मेक ए प्रॉपर वीडियो फॉर यू फॉर डिटॉक्स वाटर एज वेल, तो आप मुझे कमेंट में बताएं जरूर, ठीक है। वर्कआउट के दौरान पानी पीते रहना, सिप्स में लेना, डिहाइड्रेशन नहीं होगी आपको, गर्मियों का सीजन है तो इस तरह से भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। सो ये थी आपके लिए, आपकी रिक्वेस्ट पर बहुत ज्यादा डिमांडिंग वीडियो जो मैंने पूरी की है, इन सब एक्सरसाइजेस को करें, मुझे जरूर फीडबैक भी दें, ठीक है, साथ डाइट अच्छी करें, वेट लॉस टिप्स भी मैंने प्रॉपर बताई हैं उनको भी फॉलो करना है और आप जरूर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्रोवाइड कीजिए, आपको नहीं समझ आती कैसे क्या लेना है, रोल दैट कैसे आपको रिजल्ट चाहिए, एक होता है कि आपने शोर लिया आपको रिजल्ट चाहिए इतने टाइम में, तो आपके लिए बेटर है कि आप कस्टमाइज मील लें, बिकॉज जो टिप्स होती हैं वो मेंटेनेंस के लिए होती हैं, ठीक है, लेकिन जो अगर आपको अच्छे से वेट लॉस करना है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, तो आपको प्रॉपर कस्टमाइज डाइट प्लान ही एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन से लेने चाहिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आप भी वेट लॉस करना चाहते हो तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। वी आर ऑफरिंग 30 डेज वेट लॉस एंड वेट गेनिंग चैलेंज एज वेल, ठीक है, गेनिंग के लिए भी चैलेंजेस है, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। जो लीन पर्सन होते हैं उनकी तरफ से बहुत शिकायत आती है कि भाई आप वेट लॉस के लिए चैलेंजेस देते हैं, वेट गेनिंग चैलेंजेस भी अवेलेबल। इशू ये आता है कि ऑब्वियसली परसेंटेज ज्यादा है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज्यादा पूछी जाती है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो उसके बारे में ज्यादा वीडियोज एंड ऑल दैट आती है, ठीक है। तो गेनिंग के भी चैलेंजेस अवेलेबल, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह विल बी ऑन वेट लॉस मिस्टेक्स, ठीक है। ये वीडियो उन सबके लिए होगी जो हर तरह की डाइट कर चुके हैं बट उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप जरूर वो वीडियो भी देखना, स्टे ट्यून, जिसके लिए आपको बेल का आइकॉन को दबाना पड़ेगा ताकि जैसे वीडियो आए आप देख सकें, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज़।